मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मेरे भनेवे दे या मेरे किसी रिश्तेदार दे घर ईडी दी रेड वधी है, तां केजरीवाल मैनूं उहदे नाल क्यों जोड़ रहे ने? मैंने कुछ नहीं कहा, पंजाब के लोग कह रहे हैं। उन्होंने बोला मेरा कसूर इतना है कि मैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर नजर नहीं रख पाया। चन्नी साहब, अगर आप अपने चार रिश्तेदारों पे नजर नहीं रख पाए, आप पंजाब को कैसे संभालोगे? अगर उनके रिश्तेदार उनके नाम पे पैसे उठा रहे थे तो पैसे कोई क्यों देता है? गलत काम करने के लिए देता है? चन्नी साहब ये बताएं कि उन रिश्तेदारों के लिए चन्नी साहब ने पिछले 3 महीने में क्या क्या गलत काम किए? उन गलत कामों के पैसे उठाए उन्होंने, तो चन्नी साहब ने उन रिश्तेदारों के लिए कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ लिस्ट होगी कामों की। वो लिस्ट आज पंजाब के लोग जानना चाहते हैं। बताएं चन्नी साहब कि उन रिश्तेदारों के क्या क्या गलत काम उन्होंने किए जिनके उन्होंने पैसे उठाए। किसी के घर में 10 करोड़ रुपए निकले और जब जनता उनसे सवाल पूछे जी 10 करोड़ रुपए किसके थे, वो कहेंगे मेरे से पूछोगे तो मैं डिफेमेशन कर दूंगा। आप पंजाब के लोगों को धमकी दे रहे हो? पूरा पंजाब जानना चाहता है ये 10 करोड़ रुपए किसके थे, किस लिए दिए गए ये 10 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ रुपए क्या? लोग तो पता नहीं कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, पता नहीं कितने पैसे कमा रखे हैं इन्होंने 111 दिन के अंदर। पर सीएम साहब कोई भी गल कहंदे ने कि ए मोदी दी प्रेशर पॉलिटिक्स है। मोदी साहब बदले की राजनीति करते हैं, मैं मानता हूँ। मेरे को भी खूब तंग किया इन्होंने। मोदी साहब ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस चारों रेड मारी मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे, कुछ नहीं निकला। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी साहब कोई एजेंसी बच गई हो तो उसको भी भेज दो। इनके यहाँ जब रेड मारी, वो कहते हैं जी मैंने उनका वो रोक दिया था, काफिला रोक दिया था, इसलिए मारी। जिस मर्जी रेड मार, पंजाब की जनता का ये प्रश्न है कि वो 10 करोड़ रुपए, 56 करोड़ की एंट्री, जगुआर कारें, इतनी सारी गाड़ियां, वो किसकी हैं? वो कहते हैं मेरे रिश्तेदार के ने मेरे नाम पे उठाए, तो आपने उनके कोई तो गलत काम करे होंगे। किस गलत काम के पैसे उन्होंने उठाए आपके नाम से? दिल्ली में हमारी सरकार बनी मई या जून के महीने में, एक व्हाट्सएप मैसेज आया, ऑडियो मैसेज। उस ऑडियो मैसेज में मेरा खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर, एक राशन की दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। 3 घंटे के अंदर अंदर मैंने उस मंत्री को अपनी कैबिनेट से निकाल दिया और मामला मैंने सीबीआई को सौंप दिया। मैंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस लीडर ये गल कह रहे ने क्योंकि दलित सीएम बनया पंजाब दे विच पहली बारी, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, एससी भाईचारे के थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किसको वोट दोगे? बोले आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को क्यों दोगे? चन्नी साहब एससी भाईचारे के, उनको वोट क्यों नहीं दोगे? बोले जी सारे एससी भाईचारे के अंदर इस टाइम पंजाब में गुस्सा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस का मकसद एससी भाईचारे का सीएम बनाने का नहीं है, खावा करने के लिए, नाम के लिए, एससी भाईचारे के वोट लेने के लिए उन्होंने 3 महीने पहले सीएम बना दिया। बोला ये चुनाव के बाद सीएम नहीं बनाने वाले इनको। कहते जी फेस भी डिक्लेयर कर देंगे, चुनाव के बाद सीएम चन्नी साहब को बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सुशील कुमार शिंदे का वो एग्जांपल दे रहा था। महाराष्ट्र के अंदर इसी कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे को एससी भाईचारे का वोट लेने के लिए चुनाव के 3 महीने पहले सीएम बनाया, चुनाव के बाद उनको सीएम नहीं बनाया। तो सारा एससी भाईचारा इस टाइम गुस्से में है और कांग्रेस से चुनाव के अंदर झूठ बोलने के लिए मजा चखाएगा।